बीते एक हफ्तों में आपने अमेठी के इस सारस और इस बाइक सवार की कहानी कई जगहों पर देखी होगी। वो कहानी जिसने आम आदमी को यह सिखाया कि प्यार जिंदगी में कितनी बड़ी अहमियत रखता है। वो कहानी जिसने सोशल मीडिया पर लोगों को रुला दिया और ये भी बताया कि बेजुबान पक्षी या जानवर अगर आपके साथी बन जाएं तो जिंदगी में उनसे अच्छा हमसफर कोई नहीं हो सकता। ये कहानी अमेठी जिले के जामू ब्लॉक के मंढका गांव में रहने वाले आरिफ और उनके दोस्त एक सारस की है। मार्च 2022 में आरिफ ने इस सारस की जिंदगी बचाई थी। बताया जाता है कि आरिफ एक खेत में अपने दोस्तों के साथ पहुंचे तो वहां पर एक सारस तड़प रहा था। सारस का पैर टूट गया था, शायद किसी हादसे का शिकार था। आरिफ को इस पर दया आई, उसे उठाकर अपने घर लाया, इलाज किया। इसके कुछ महीनों बाद सारस को जब खुली हवा में छोड़े जाने की बात हुई तो आरिफ उसे लेकर परिवार के लोगों के साथ बाहर गए, लेकिन सारस जाने को राजी नहीं हुआ। हालत ये हुई कि सारस और आरिफ की ऐसी दोस्ती हो गई कि आज वही सारस आरिफ का हम सफर है। ये हम खेत में थे, एक साल पहले की बात है, हम खेत में थे तो वहाँ आके गिरा हुआ था, इसका पैर टूटा हुआ था, तो इसको हम घर ले आए, इसका इलाज उलाज किए, तब इसका जाके पैर सही हुआ। तो हम सोच रहे थे सही होने के बाद चला जाएगा, जंगली पक्षी है, पर ये गया नहीं, मेरे साथ रहने लगा। और साथ रहने के इतना साथ रहने लगा, मैं बाइक से जहाँ जाता हूँ 2-4-10 किलोमीटर, वो साथ साथ उड़ के चला जाता है, मेरे साथ 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 वापस चला। हमने इतिहास के कालखंड में भगवान बुद्ध की कहानी सुनी, सिद्धार्थ की वो कहानी जिसमें उन्होंने एक हंस को बचाया। वो कहानी भी सुनी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने तमाम मोर गाय और ग्वालों के साथ रास किया था। वो कहानी कि वृंदावन के तमाम जीव भगवान कृष्ण की मुरली पर नाच उठते थे। प्रेम की यही ताकत है। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और इंसानियत की परंपरा वाले देश में आरिफ और इस सारस की कहानी एक नया अध्याय है। दिन में कहीं चले जाएं, दूसरे से बाइक मंगा के चले जाते हैं, चुपके से निकल जाते हैं, जब वापस आते हैं तो रात में जब वापस आए तो ये बहुत उछलता है, ऊपर दौड़ता है, उड़ने लगता है, फिर जमीन पे आता है, ऐसे ऐसे इसके रिएक्शन रहते हैं। बस इसको रोटी खिला देते हैं, उसके बाद खाना बनता है पूरा, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी बना रहता है पूरा खाना वही खाता है। अमेठी की ये कहानी बीते एक हफ्तों में आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनी है। लोगों ने ये कहा है कि ये कहानी मिसाल है, मिसाल इस बात की कि अगर मोहब्बत से किसी शख्स को अपनी तरफ लाया जाए तो वो ऐसे ही जिंदगी के सुख दुख का हमसफर बनता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।